केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव शुक्रवार को जयपुर दौरे पर रहे। जयपुर के विकास के लिए कुछ बड़ा प्लान करने की सोच रहे हैं। शुक्रवार को जयपुर में विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करने के बाद उन्होंने अपने आइडिया को प्रारंभिक स्तर पर यूडीएच मंत्री के साथ साझा भी किया। आने वाले दिनों में रेलवे मंत्रालय और राज्य सरकार के बीच इसे लेकर चर्चा होगी। उत्तर पश्चिमी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के अनुसार दौरा कार्यक्रम में मंत्री सुबह 9 बजे 717 करोड़ रुपए की लागत से किए जा रहे जयपुर स्टेशन के पुनर्विकास कार्य की प्रगति की समीक्षा की एवं कार्य पर संतोष व्यक्त किया। वहीं पर उपस्थित अधिकारियों को पुनर्विकास कार्य को समय पर सीमा में पूर्ण करने के लिए निर्देशित भी किया। जयपुर स्टेशन द्वितीय प्रवेश द्वार पर प्रेस को संबोधित करते हुए मंत्री ने बताया कि सरकार रेलवे एवं रेलवे स्टेशनों को कायाकल्प करने के लिए कृत संकल्प है। स्टेशनों को विश्व स्तरीय बनाने के क्रम में उत्तर पश्चिम रेलवे पर 9 स्टेशनों को विकसित किया जा रहा है। इन स्टेशनों पर अंडरग्राउंड पार्किंग, लिफ्ट, एस्केलेटर, आगमन प्रस्थान की अलग अलग व्यवस्था, सभी यात्री सुविधाओं सहित स्थानीय लोक संस्कृति को ध्यान में रखते हुए डिटेल लुक दिया जाएगा। स्टेशनों पर सभी लाइनों के ऊपर प्लेटफॉर्म को जोड़ते हुए एक रूफ प्लाजा बनाया जाएगा, जो न केवल रेल यात्रियों के लिए बल्कि शहर के दोनों ओर के लोगों को जोड़ने के लिए सिटी सेंटर के रूप में विकसित होगा। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले रेलवे के क्षेत्र में राजस्थान की बहुत उपेक्षा की गई है। जहां 2014 से पहले राजस्थान में रेलवे के लिए औसत बजट 682 करोड़ रुपए रखा जाता था, अब बढ़कर 9,532 करोड़ रुपए हो गया है। राजस्थान में नवनिर्मित भाजपा सरकार के बाद डबल इंजन की सरकार से राजस्थान में रेलवे में अभूतपूर्व विकास कार्य किए जाएंगे। मंत्री वैष्णव ने कहा कि उनकी राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से रेलवे के विकास के लिए विस्तृत चर्चा भी हुई है। रेल के विकास में कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। राजस्थान में लंबे समय से लंबित चल रही परियोजनाओं को वर्तमान सरकार ने स्वीकृत कर विकास में अहम योगदान दिया है। इनमें आबू रोड, तरंगा हिल, पुष्कर मेड़ता नई लाइन, मारवाड़ जंक्शन, मावली जंक्शन, आगमन परिवर्तन कार्य शामिल है। मंत्री ने आश्वस्त किया कि वे महीने में एक बार मुख्यमंत्री एवं सांसदों से बैठकर रेल के विकास के लिए कार्य करेंगे। राज्य सरकार के चीफ सेक्रेटरी और रेलवे महाप्रबंधक के समन्वय से रेलवे परियोजनाओं की आवधिक समीक्षा के लिए कमेटी बनाई जाएगी। इस अवसर पर मंत्री ने वंदे मातरम एक्सप्रेस पर गांधीनगर का जयपुर स्टेशन पर ठहराव भी की, घोषणा भी की। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन में रेलवे और रेलवे स्टेशनों को एक तरीके से पूरी तरह से कायाकल्प किया जा रहा है, वर्ल्ड क्लास बनाने का अभियान चल रहा है। फिर एक शानदार हेरिटेज लुक के साथ बिल्डिंग बन रही है, पूरी तरीके से जयपुर की सांस्कृतिक विरासत को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया। मेन एंट्री उस तरफ है, दोनों के दोनों हिस्से आराम से इस रूफ प्लाजा के माध्यम से जुड़ेंगे। मात्र 682 करोड़ रुपए का अनुदान मिलता था रेलवे के डेवलपमेंट के लिए, बजट मिलता था 682 करोड़। आज साथियों, मोदी जी और अब तो राजस्थान में डबल इंजन की सरकार है, मोदी जी 9,532 करोड़ रुपए का बजट दिए हैं रेलवे के लिए। 50 साल तक टच न करनी पड़े वैसी पूरी काम करें। जो खरीदार आए उनको सैंपल दिखा के, मतलब एक तरीके से बड़ा एक हब बन सकता है, उसके बारे में भी चर्चा हुई अभी। और तीसरा ये भी चर्चा हुई कि किस तरह से जो करीब 5,000 गाठें आती है डेली, 5,000 के आसपास, 5-6,000 गाठें डेली जो आती है, स्टोरेज हो, उसका ट्रांसपोर्टेशन हो, उन सब पे भी क्या एक व्यवस्था हो सकती। तो मैंने टीम को बोला है कि सब लोग अच्छे से डिटेल में मास्टर प्लान बनाओ, जल्दबाजी नहीं करनी है, डिटेल में मास्टर प्लान बनाना है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी का हमेशा ये रहता है कि 40-50 साल आगे का सोच के काम करो। तो जो फ्लाईओवर, स्टेशन, कॉमर्शियल हब, उन सब के बारे में अगले कुछ ही समय में लेके आएंगे, तब मैं मुख्यमंत्री जी और सांसद जी के साथ बैठूंगा, बैठ के इसको आगे लेके। सर, मुख्यमंत्री जी का विधानसभा क्षेत्र है, आपने फ्लाईओवर अंडरब्रिज की भी बात की थी, रोड मैप किस तरीके से हम तैयार कर रहे हैं, क्योंकि उनका क्षेत्र भी है। देखो, बहुत अच्छा डेवलपमेंट करेंगे। मानवर मुख्यमंत्री जी ने एक और बहुत बड़ा फैसला लिया है कि चीफ सेक्रेटरी साहब के अंडर एक कमेटी बनेगी, जिसमें कि पूरे प्रदेश में, राजस्थान में, जो मोदी जी ने 9,500 करोड़ का बजट दिया है रेलवे का, वो काम कैसे एक्सेलरेट हो, काम कैसे तेज हो, उसको देखने के लिए चीफ सेक्रेटरी साहब के अंडर एक कमेटी बनेगी, जिससे कि हर महीने महीने के महीने सब प्रोजेक्ट्स को रिव्यू करके आगे बढ़ने का एक तेज। राजस्थान में कौन कौन से प्रोजेक्ट रेलवे और दूसरे आ रहे हैं जो विकास को गति देंगे? बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं,
कई सारे डबलिंग के प्रोजेक्ट हैं, जैसे मान लीजिए अपना जयपुर से सवाई माधोपुर हो गया, फिर इधर भिलड़ी से जोधपुर होते हुए कंप्लीट नॉर्थ की तरफ जाने का एक पूरा डबल सेक्शन हो गया,